इंडिया में दो तरीके के कार बायर्स हैं, एक तो वो जो शोरूम में जाते हैं और सेल्स पर्सन से सीधा बोलते हैं कि हमें टॉप वेरिएंट के प्राइस बता दो, और दूसरे वो जो अपने पैसों को बहुत सोच समझकर कार पर लगाते हैं और नीचे से ऊपर तक हर एक वेरिएंट को देखते हैं ताकि उन्हें अपनी जरूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाएं और वो ज़्यादा फालतू पैसा भी ना खर्च करें। लेकिन इस एक्सरसाइज में अक्सर सेल्स पर्सन ना आपको ऐसे फीचर्स चिपका देते हैं जिनकी एक्चुअली में आपको नीड भी नहीं होती और आप उसको लेने के बाद और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप जान सकें कि स्टेयरिंग एडजस्टमेंट से लेकर TPMS तक कौन से वो फीचर्स जरूरी हैं और कौन से नहीं हैं जो आपकी गाड़ी में होने चाहिए। हमने इस वीडियो के अंदर इंजन, ट्रांसमिशन, व्हील्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स के ऊपर फोकस किया है और इस वीडियो को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि कॉकपिट, सीट्स, एंट्री एग्जिट एंड विंडोज एंड सेफ्टी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको साइड में एक अपडेटेड चार्ट भी दिखता रहेगा जिसमें हमने कलर कोडिंग की मदद से समझाया है कि कौन से जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन से थोड़े कम ज़रूरी हैं और आपके ऊपर आपको लेने हैं कि नहीं लेने, और कौन से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को कार के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यानी कि कॉकपिट से चालू करते हैं। कार कॉकपिट कार के कमांड सेंटर को बोला जा सकता है जहां पर ड्राइवर और को ड्राइवर बैठते हैं और जहां पर सारे के सारे कंट्रोल्स दिए गए होते हैं, और इसीलिए हमने कॉकपिट वाले सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और डोर में जितने भी फीचर्स और कमांड्स बटन दिए गए होते हैं उन सभी को कवर किया है। तो डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसमें भी सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जिसे MID भी बोला जाता है। देखो पहले क्या होता था कि कार्स में ना जो ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते थे वो सारे के सारे एनालॉग होते थे, यानी कि हर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए नीडल्स या फिर बैकलिट सिंबल्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन स्क्रीन्स के एवोल्यूशन के बाद से एनालॉग और डिजिटल दोनों ही तरीके के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं गाड़ियों के अंदर। अभी कार मेकर्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने कार्स के बेस मॉडल्स के अंदर ना एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रहे हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर के वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते जाते हैं आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। पर डेफिनेटली जैसे जैसे आप ऊपर के मॉडल्स की तरफ जाते हैं आपको कई लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने भी पड़ते हैं। तो क्या ये जो एनालॉग से स्क्रीन की तरफ जो अपग्रेड है क्या ये वर्थ इट है? वेल देखो मार्केट में आने वाली ज्यादातर कार्स के डिजिटल और एनालॉग क्लस्टर्स के अंदर बस इतना फर्क होता है कि ये जो डिजिटल क्लस्टर्स होते हैं ना इनमें LED डिस्प्लेस मिल जाती हैं जिसमें आपको वही सारी वार्निंग्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको एनालॉग क्लस्टर्स के अंदर भी मिल जाती है। लेकिन कुछ कार ब्रांड्स हैं जो इन डिजिटल क्लस्टर्स को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि कई कार ब्रांड्स MID के अंदर ही मैप्स दे देते हैं, TPMS की डिटेल्स दे देते हैं, और जो 360 कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट वगैरह होते हैं वो इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, जैसे कि हुंडई की गाड़ी में हमें अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना ये आपको ऑलरेडी इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाती है, इसीलिए मेरा मानना ये है कि सिर्फ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वजह से आपको फालतू में लाखों रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये फीचर उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के ठीक ऊपर आजकल मारुति जैसे ब्रांड्स की कार्स में हमें हेडसअप डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है जिसमें कि स्पीड और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसी चीज़ें हमें कुछ देखने को मिल जाती हैं जो कि सीधा ग्लास के ऊपर प्रोजेक्ट करी जाती हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो फीचर है ना ये एकदम ही अननेसेसरी फीचर है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी हमें MID और इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है, तो इसको अलग से विंडस्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी कई ड्राइवर्स का मानना यह है कि ये जो हेडसअप डिस्प्ले होती है ना इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही अननेसेसरी फीचर है और आपको इससे बचना चाहिए। अनलाइक हेडसअप डिस्प्ले जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है UV कट ग्लासेस जो कि विंडस्क्रीन पर और विंडोज़ पर मिलने चाहिए, लेकिन अक्सर देखने में ये मिलता है कि कई सारी पुरानी गाड़ियों के अंदर और वैल्यू फॉर मनी कार्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे में आपके लिए लेंसकार्ट के ब्लू सीरीज के ग्लासेस बहुत ज़्यादा काम के साबित हो सकते हैं क्योंकि ये गारंटी देते हैं UV प्रोटेक्शन की। लेंसकार्ट के ब्लू सीरीज के ग्लासेस सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और ये यूवी रेस के अलावा आपकी आंखों को हार्मफुल ब्लू लाइट से भी बचाते हैं जो कि आपके फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट्स और गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन तक से निकलती है। ये ग्लासेस 90% तक ब्लू रेस से प्रोटेक्शन देते हैं जिसकी वजह से हेडेक रिड्यूस होता है और आपकी आंखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये क्लियर विजन ऑफर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल भी है। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इन ग्लासेस को ऑर्डर कर लीजिए। और हाँ, अभी लेंसकार्ट में लेटेस्ट ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको कोई भी ग्लासेस 1200 में एक और 1700 में दो मिल जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लीज जाइए। साथ ही साथ लेंसकार्ट से फ्री लेंसेज के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की मदद से आप अपने स्टेयरिंग को रीच और रेक दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने लिए एक मोस्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन तैयार कर सकें। और अगर आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो कंफर्टेबल होगी तो आपको लॉन्ग रूट्स पर थकान नहीं होगी और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली कई सारे ब्रांड्स बेस मॉडल के अंदर इस फीचर को नहीं देते हैं और इसीलिए आपको वेरिएंट अपग्रेड करना ही पड़ता है।
क्रूज कंट्रोल किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और किसी के लिए नहीं, और ये समझने के लिए हमें ड्राइवर की जो रनिंग है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे हाईवेज पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटर पर पैर एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि ये जो क्रूज कंट्रोल है ना, वो भारत के सिर्फ एक्सप्रेसवे पर ही ज्यादातर काम का साबित होता है, वरना अगर आप इंडिया के पुराने हाईवेज पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए कांस्टेंट स्पीड रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए ये वहां पर उतना ज्यादा काम का साबित नहीं होता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी गाड़ी सिर्फ सिटी में ही चलती है या ज्यादातर सिटी में चलती है, तो इसका यूज आपके लिए और भी ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए ये फीचर काम का तो है लेकिन सबके लिए नहीं है। अब डैशबोर्ड में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। देखो, जस्ट लाइक MID इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जो होते हैं ना, वो बेस मॉडल के अंदर बड़े ही बेसिक और बिना डिस्प्ले वाले मिलते हैं, और जैसे ही आप थोड़े महंगे वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं आपको डिजिटल डिस्प्ले वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। अब अनलाइक MID इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए मेरा मानना यह है कि आपको डिजिटल डिस्प्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम ही ऑप्ट करना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा रीजन है नेविगेशन। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर नेविगेशन को देखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, और अगर ये आपकी गाड़ी के अंदर नहीं है तो आपको अपना फोन यूज करना पड़ता है फॉर नेविगेशन, जो कि बहुत ज्यादा हैसल वाली बात हो जाती है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले नेविगेशन के अलावा गाड़ी के कई सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए और बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए भी काम आ सकती है। लेकिन कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम को एग्जामिन करते टाइम ना आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कार मेकर्स ऐसे हैं जो डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पर सिर्फ एक डिजिटल डिस्प्ले वाला म्यूजिक सिस्टम लगा के दे देते हैं, जिसमें ना तो नेविगेशन चलता है ना ही एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स क्या कर रहे हैं कि वो इतनी बड़ी डिस्प्ले दे देते हैं कि कार में से बाकी सारे बटन्स को गायब कर देते हैं और सारे कंट्रोल्स उस डिस्प्ले के अंदर दे देते हैं। देखो, बड़ी डिस्प्लेस दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं, पर AC, वेंटिलेशन और कार मॉड्स जैसे कई सारी चीज़ों के लिए फिजिकल बटन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फिजिकल बटन्स होते हैं ना, इनके साथ हमारी मसल मेमोरी बन जाती है, और गाड़ी चलाते टाइम इनको ऑपरेट करने के लिए आपको इनकी तरफ बार बार देखने की जरूरत नहीं होती है। वहीं फुली डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, और इसीलिए डिजिटल डिस्प्लेस के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस दे देना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये बात यूरो एनकैप ने भी कही है कि कार्स में फिजिकल बटन्स का होना सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और अब से कार में इनफ बटन्स ना देने पर गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है यूरो एनकैप के अंदर। अब अगर मैं अपने पर्सनल बायसेस बताऊं, यानी कि मेरे हिसाब से कौन से ब्रांड्स परफेक्ट नंबर ऑफ बटन्स और डिस्प्लेस का रेशियो दे रहे हैं, तो फिलहाल वो होंगे महिंद्रा, हुंडई और किया, यानी कि इनकी कार्स में आज की डेट में सबसे ज़्यादा अच्छे इंफोटेनमेंट मिल रहे हैं और खूब सारे बटन्स भी देते हैं ये, ताकि आप सेफली अपनी गाड़ी को चला सकें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टोयोटा, सुजुकी, रेनो और निसान की, तो इनमें आपको बटन्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जो इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी है ना, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनकी कार्स में या तो आपको आउटडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलते हैं, या फिर इनके अंदर पूरे फीचर्स नहीं होते, या फिर ये लैगी होते हैं। इसके बाद अगर हम नज़र डालें टाटा, VW और स्कोडा पर, तो इनकी कार्स में आपको बटन्स तो मिलते हैं, पर ये ज़्यादातर कैपेसिटिव टच वाले होते हैं, जो कि अगेन ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं गाड़ी चलाते टाइम। इन सब के अलावा अगर मैं बात करूँ MG की, तो इस मामले में ये ब्रांड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ख़ासकर अगर हम इनकी हेक्टर के बारे में बात करें, तो इसमें AC तक के कंट्रोल्स भी स्क्रीन के अंदर दे रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है और सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। शायद आप लोग ये ना जानते हो कि एक ही बड़ी स्क्रीन के अंदर सारे के सारे कमांड्स दे देने से जो ब्रांड्स है ना, उनका पैसा बचता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो डेडिकेटेड अलग अलग बटन्स देते हैं तो उसके मॉड्यूल्स, बटन्स का खर्चा और फिर उनकी वायरिंग का खर्चा होता है, जो कि एक स्क्रीन की वजह से बच जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके के इंफोटेनमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का ही एक इंटेग्रल पार्ट होता है। देखो, म्यूजिक सिस्टम को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर मैं अगर अपना बोलूं तो मुझे चलती हुई गाड़ी के अंदर गाने सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और म्यूजिक ही एक लौता सोर्स होता है एंटरटेनमेंट का, जो आप चलती गाड़ी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे में मेरा पर्सनली मानना यह है कि एक अच्छे म्यूजिक सिस्टम में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, पर इसके लिए आपको वेरिएंट्स अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आफ्टर मार्केट भी अच्छे स्पीकर्स लगा सकते हैं, और इसके लिए जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। म्यूजिक सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं कार के AC की। आजकल कार में दो तरीके के AC आ रहे हैं, पहला तो होता है मैनुअल AC, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक या फिर क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC। मैनुअल AC का मतलब ये होता है कि इन ACs में ना टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपको डायरेक्टली कंप्रेसर बंद करना पड़ेगा, और जब फिर से गर्मी लगने लगे तो आपको डायरेक्टली AC चालू करना पड़ेगा। और यहीं पर काम में आता है क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC। इन ACs के अंदर आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, और बिल्कुल आपके घर के AC की तरह ही जब कार के अंदर का टेम्परेचर डिजायर्ड फिगर तक पहुंच जाता है तो AC अपने आप को खुद से ट्रिप कर लेता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है ये फिर से अपने आप को चला लेता है।
देखो वैसे तो मैं पर्सनली क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी ही प्रेफर करूंगा अगर इससे वेरिएंट की प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है तो। लेकिन आप मैनुअल एसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती है एसी के साथ। चलिए अब थोड़ा ऊपर को चलते हैं और IRVM की बात कर लेते हैं। रात के वक्त इंडिया की सड़कों पर कई सारे लोग हाई बीम चलाकर गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से उस हाई बीम का जो ग्लेयर है ना वो IRVM के थ्रू आपकी आंखों पर पड़ सकता है और आपको डिस्ट्रेक्शन हो सकता है गाड़ी चलाने में, और इसीलिए कार ब्रांड्स आपको IRVM के अंदर डिमिंग का ऑप्शन देते हैं। अब जो ज्यादातर वैल्यू फॉर मनी कार्स होती हैं और जो लोअर वेरिएंट्स होते हैं कार्स के, उनके अंदर आपको मैनुअली ऑपरेटिंग IRVM मिलते हैं जिसमें कि आपको बटन दबाकर कार के IRVM को डिम करना पड़ता है। वहीं जो ऊपर के वेरिएंट्स होते हैं उनके अंदर आपको इलेक्ट्रोकॉमिक IRVM मिल जाते हैं। इन IRVMs में क्या होता है कि जैसे ही इनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, ये अपने आप को खुद से डिम कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार मिरर एडजस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये जो पर्टिकुलर फीचर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको वेरिएंट को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से आफ्टर मार्केट भी खरीद कर लगा सकते हैं। ये जो सनरूफ है ना, ये इंडियंस को इतनी ज्यादा पसंद है कि इसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों की चॉइसेस तक बदल डालते हैं। लेकिन क्या हमें सनरूफ की जरूरत भी है? देखो भारत एक गर्म देश है और अगर आप गर्मियों में सनरूफ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके एसी को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा गाड़ी को ठंडा करने के लिए, और शायद तब भी ना हो। और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि बंद सनरूफ में से भी गर्मी आती रहती है गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये जो सनरूफ का कवर होता है ना, ये इतना ज्यादा थिक नहीं होता है जितनी आपकी गाड़ी की रूफ होती है। तो इसीलिए जो सनरूफ होती है ना, ये आपकी काम की सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही साबित होती है जब इंडिया के अंदर सर्दियां होती है, और ऐसे में ये जो सनरूफ है ये लार्जली अनयूजेबल हो जाती है इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा ये जो बड़ी वाली सनरूफ होती है यानी कि जो सनरूफ होती हैं, ये तो एक्चुअली में आपके लिए सेफ्टी हजार्ड है। ये आपकी सेफ्टी के लिए खतरनाक साबित होती हैं, और इंडिया में पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों की मौत हो गई है, और उसका रीजन पैनोरामिक सनरूफ रहा है। पैनोरामिक सनरूफ से जुड़ी सेफ्टी का ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। पर तब तक आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी सनरूफ में से बच्चे बाहर निकाल कर सुखाने नहीं है, तो सनरूफ आपके किसी भी काम की नहीं है। रियर डिफॉगर का काम होता है पिछले ग्लास पर जमी हुई फॉग को हटाना, और रियर वाइपर का काम होता है बारिश या डस्ट की वजह से गंदे हुए ग्लास को साफ करना। ये दोनों ही फीचर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे देश में धूल बहुत ज्यादा उड़ती है और फॉग भी बहुत ज्यादा होता है सर्दियों के टाइम पर। और इसीलिए मेरा मानना है ये है कि कार मेकर्स को बेस मॉडल से ही इन फीचर्स को देना चाहिए, लेकिन अफसोस हम इंडियंस की प्रायोरिटी लिस्ट पे ये है ही नहीं, और इसीलिए कार मेकर्स भी ये नहीं देते हैं। पर डेफिनेटली ये फीचर इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से अगर आपको गाड़ी के थोड़े बहुत मॉडल्स अपग्रेड भी करने पड़ रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर वेरिएंट पे भी जाना पड़ रहा है, तो जाना चाहिए। अब हमने कॉकपिट से जुड़े हुए सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं, तो अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी कि सीट्स पर। कार की सीट्स का मटेरियल, उनकी क्वालिटी और कुछ फीचर्स उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले सीट्स के मटेरियल की बात करें, तो फैब्रिक और लेदरेट दोनों ही मटेरियल्स में सीट्स अवेलेबल हैं, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेदरेट वाली जो सीट्स होती हैं वो अपर मॉडल्स में मिलती हैं, और लेदरेट सीट्स के लिए फालतू पैसे देने की जरूरत तभी है आपको अगर वो परफोरेटेड हो, क्योंकि अगर ये लेदर वाली सीट्स परफोरेटेड नहीं होंगी यानी कि अगर उनमें छोटे छोटे छेद नहीं होंगे, तो आपकी जो स्किन है ना वो सांस नहीं ले पाएगी और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी पीठ पर खासकर। तो लेदर वाली सीट्स पर आप तभी मूव करिए अगर आपको ब्रांड परफोरेटेड सीट्स कवर दे रहा है, नहीं तो आप फैब्रिक वाली सीट्स को ही ऑप्ट करिए। ये फीचर इंडियन समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में कार मेकर्स को सनरूफ देने के बजाय निचले मॉडल से ही वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दे देना चाहिए। पर अफसोस आपको ये फीचर अक्सर टॉप एंड मॉडल में ही देखने को मिलता है, यानी कि हो सकता है सिर्फ इस एक फीचर की वजह से आपको अपना बजट बहुत ही ज्यादा बढ़ाना पड़ जाए। तो इसीलिए वेंटिलेटेड सीट्स तभी बहुत ज्यादा काम की है अगर आप ऑलरेडी बाकी फीचर्स की वजह से गाड़ी के अपर मॉडल की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो आप फैब्रिक वाली सीट्स को ही ऑप्ट करिए, ये भी काफी अच्छा खासा वेंटिलेशन दे देती है। भारत में बिकने वाली कार्स में आगे वाली सीट्स पर तो प्रॉपर हेडरेस्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाने चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। क्योंकि जब गाड़ी का पीछे की तरफ से एक्सीडेंट होता है, तो ये सीट्स के हेडरेस्ट आपके पैसेंजर को विप्लैश इंजरी से बचाते हैं, यानी कि गर्दन टूटने तक से बचाते हैं। तो इसीलिए सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अफसोस कार ब्रांड्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत ही रेयरली ऐसा करते हैं कि वो सभी पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट से, जैसे कि इस 4th जनरेशन होंडा सिटी को देख लो, इसमें फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं, वो भी सिर्फ पीछे के 2 पैसेंजर्स के लिए। या फिर होंडा एलिवेट को देख लो, इसमें आपको पीछे सिर्फ 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। इस मामले में मैंने नोटिस करा है कि महिंद्रा की जो नई नवेली 3XO आई है वो काफी ज्यादा अच्छी है, पर इसमें भी आपको थोड़े ऊपर के मॉडल्स में जाना पड़ेगा अगर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट चाहिए पूरे के पूरे तीनों सीट्स पर। तो मेरा मानना यही है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी कि एंट्री एग्जिट एंड विंडोज की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी में घुसने के तरीके की।
देखो, दो तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। एक तो है चाबी में दिए हुए बटन को दबाकर, और दूसरा है कीलेस एंट्री वाली चाबी के साथ, जिसमें कि आपको अपनी चाबी को बस जेब में रखना है और अपना हाथ हैंडल के अंदर डालना है और डोर अपने आप ही अनलॉक हो जाएगा। मेरा पर्सनली मानना यह है कि ये जो कीलेस एंट्री है ना, ये हल्की फुल्की कन्वीनियंस तो ऐड कर देती है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कीलेस एंट्री में भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर चोर के हाथ आपकी चाबी लग गई तो वैसे भी वो गाड़ी को चुरा लेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से सेंट्रल लॉकिंग वाले जो की फॉब्स होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं, और कीलेस एंट्री के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। एंटी पिंच विंडोज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर बच्चे अपना हाथ विंडो के ग्लास के बीच में डाल देते हैं और उनका हाथ दब जाता है, जिससे उनको इंजरी हो सकती है। वहीं अगर ऐसा एंटी पिंच विंडो के साथ किया जाए तो जो विंडो है वो आपके हाथ को हर्ट नहीं करती है और वो अपने आप ही नीचे आ जाती है। अंदर बैठे बैठे मिरर को एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा काम का फीचर है, और वो डेफिनेटली हर एक कार में होना ही चाहिए। पर अगर हम ऑटो फोल्डिंग मिरर की बात करें तो वो थोड़ा लोगों को गिमिकी फीचर लग सकता है, पर मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली में एक काम का फीचर है। अक्सर हमारे देश में हम अपनी कार के साथ तंग गलियों में फंस जाते हैं, और ऐसे में हमें गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही अपने मिरर्स को बंद करना पड़ता है, ताकि आपकी कार आराम से उस तंग जगह से निकल पाए। और यहीं पर जो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स होते हैं ना, आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन काम के होने के बावजूद भी मेरा मानना यह है कि यह अकेला रीज़न नहीं हो सकता है एक मॉडल को अपग्रेड करने का। थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन आप अपना हाथ बाहर निकाल कर भी बंद कर लोगे, तो ये हम ग्रे एरिया में डाल देते हैं। चलिए अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सेफ्टी। देखो, कार्स में जितने सेफ्टी फीचर्स हो उतना कम है, मेरा मानना तो यही है। गाड़ी में 6 एयरबैग्स होने चाहिए, ESP, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट जैसे सभी के सभी फीचर्स होने ही चाहिए, और साथ ही साथ जो गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप लोग भी जानते हो, इसीलिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस वाले सेगमेंट में मैं अपना थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव दूंगा, और कुछ ऐसे फीचर्स की बात करूंगा जो आप फालतू में ले रहे हो, और कुछ ऐसे फीचर्स की बात करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और जो आपको लेने चाहिए, आपकी सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम के साबित होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडास की। एडास एक ऐसा फीचर है जो इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों के सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है ज़्यादातर, और ऐसे में मेरा मानना यह है कि आपको सिर्फ इसके लिए 7-8 लाख रुपए फालतू खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इंडिया के अंदर जहाँ पर लोग अपने एडास को बंद करके चला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव होता है, तो फ़ायदा क्या हुआ लेने का, है ना। तो अगर आप बाकी फीचर्स की वैसे टॉप मॉडल ले रहे हैं तो एडास वैसे ही मिल जाएगा आपको, लेकिन स्पेशली सिर्फ एडास के लिए इंडिया के अंदर अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की। 360 कैमरा अगेन एक ऐसा फीचर है जिसकी ज़्यादातर कार्स को नीड ही नहीं है। छोटी गाड़ियों में क्या ज़रूरत है 360 कैमरा की। हाँ, अगर आप एक फॉर्च्यूनर टाइप की बड़ी फुल साइज़ SUV चला रहे हैं तो बेशक ये बहुत ज़्यादा काम का फीचर साबित हो सकता है, लेकिन छोटी कार में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी छोटी गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा चाहिए तो आप इसको आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। एंड एक्चुअली ये देखने में मिला है कि ये जो आफ्टर मार्केट वाले कैमराज होते हैं ना, इनकी क्वालिटी OEM वाले कैमरा से भी ज़्यादा अच्छी निकल आती है। तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो आप लगवा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा काम का फीचर नहीं है ये। डैश कैम एक ऐसा सेफ्टी फीचर जिसकी कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के साथ कुछ भी गलत होता है, उसका एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो आप डैश कैम से निकली हुई वीडियो को पुलिस को दिखा सकते हैं, और इसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम लेना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब अगर वैसे हम OEMs के हिसाब से बात करें तो Hyundai जैसे कुछ ही ब्रांड्स हैं जो डैश कैम को अपने अपर मॉडल्स के अंदर दे रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि सभी कार ब्रांड्स को ये देना चाहिए, क्योंकि अगर कार ब्रांड्स ही डैश कैम लगा के देंगे तो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ इसका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पर अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है उसमें डैश कैम नहीं है, तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि डैश कैम तो ज़रूर लगवा लो, क्योंकि एज आई सेड सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इंपॉर्टेंट फीचर है, मेरा मानना ये है। TPMS अगेन एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और इसके बारे में बात नहीं करी जाती है, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बताता है कि आपके टायर में कितना ज़्यादा प्रेशर है। हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये जो गाड़ियाँ डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाती है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न टायर के अंदर ओवर प्रेशर या फिर कम प्रेशर होता है, और खासकर अगर हम हाईवे स्पीड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इस पर टायर प्रेशर की वजह से ही होते हैं। अब TPMS एक वर्दी अपग्रेड तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसानी से आफ्टर मार्केट भी लगवाया जा सकता है बहुत ही सस्ते प्राइस पे, तो सिर्फ इसके लिए आपको मॉडल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही थी हमारी पूरी काम की और बेकार फीचर्स की लिस्ट। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर रोककर इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके फ्यूचर कार परचेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से बंडल ऑफ फीचर्स लेने हैं और कौन से छोड़ने हैं।
इसके अलावा जो हमारी वीडियोस को देखने वाले ज्ञानी पेट्रो हेड्स हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमने लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से कौन से कंपनी के कौन से कार्स के वेरिएंट हैं जो सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं वो प्लीज कमेंट्स के अंदर बताइए। इससे जो बाकी जो व्यूअर्स हैं ना उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।